ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है, पहले तो भाई ने कहा कि वो बीमार हैं और जहर देने की कोशिश की गई, अब पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। आफशा नाम है उनकी पत्नी का, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है। जेल में सुरक्षा की मांग की गई है, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के निर्देश देने की मांग की गई है। सीजीआई कोर्ट में आफशा की अर्जी पर सुनवाई होनी है। मुख्तार अंसारी की कड़ी सुरक्षा उन्हें देने की मांग की गई है। मुख्तार अंसारी को सुरक्षा दी जाए, कड़ी सुरक्षा दी जाए, ये मांग भी इस अर्जी में की गई है। मनीष, जरा इसकी डिटेल्स और बताइए कि जो आफशा ने अर्जी दी है सीजीआई में सुनवाई के लिए, उसमें और क्या कुछ मेंशन उनकी तरफ से किया गया है, किस बात का डर जाहिर किया गया है? देखिए, मुख्तार का परिवार सदैव मुख्तार की सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है। कई हथगंडे उसने अपनाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, पंजाब में दोबारा एक याचिका दाखिल करवाई, अपने मेडिकल हालत का हवाला दिया, तो लगातार चाहे आसफा अंसारी हो या अफजल अंसारी या फिर उनके बेटे, पूरी कोशिश करते रहे कि कोई ना कोई जुगत भिड़ाकर पंजाब में दोबारा बने रहने का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत साफ थी, तो ऐसे में कोई तिकड़म उनकी काम नहीं आई है। मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल शिफ्ट हो गया है। मुख्तार अंसारी का परिवार नहीं बल्कि विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय लगातार मांग करती रही हैं, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश सरकार बनाम पंजाब सरकार भी हो चुका है। अलका राय ने प्रियंका गांधी को पत्र भी लिखा था कि एक महिला होने के नाते उनके पति के हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है और आपकी पंजाब में सरकार है, तो ऐसे में मुख्तार अंसारी की वापसी का रास्ता तैयार करवाइए। तो लगातार अलका राय भी पत्र लिखती रही हैं, हालांकि कांग्रेस की ओर से उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। तो यूपी बनाम पंजाब की इस लड़ाई में बाजी यूपी के हाथ लगी और मुख्तार अंसारी, जिस पर कई सारे संगीन मुकदमे दर्ज हैं और एक और मुकदमा जो कि बाराबंकी में, अब मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ा जा रहा है एम्बुलेंस के मामले में, क्योंकि बाराबंकी के एक यूपी 41 नंबर की एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी यूज कर रहा था। आप बात कर रहे हैं मुकदमों की, तो मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल की एक एक डिटेल इस वक्त मैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए देना चाहूंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल की बात हो रही है, उसके ग्राफिक्स हमने तैयार किया है जानकारी के साथ। सबसे पहली क्राइम फाइल में जिसका जिक्र है वो है साल 1991 का, जहां पर वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई का कत्ल हुआ था और उसी बाबत ये मुकदमा दर्ज है। दूसरा साल 2005 का आप देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी पर 10 केस दर्ज किए गए साल 2005 में। साल 2005 में ही विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा था मुख्तार अंसारी पे। साल 2005 में ही कृष्णानंद राय की हत्या के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था, फिर ये सब कैसे हुआ? साल 2007 में गाजीपुर के एक मामले में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। साल 2009-10 में मुख्तार अंसारी पर कुल 7 मुकदमे दर्ज किए गए। फिर साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्तार पर केस दर्ज किया गया। साल 2019 मोहाली के एक कारोबारी ने फिरौती का केस किया और उसके बाद अब एक और केस का जिक्र जो मनीष इस वक्त कर रहे हैं बाराबंकी के मामले को लेके, अब उस पर भी देखना होगा क्योंकि बांदा जेल अब लेके आया जा चुका है। बैरक नंबर 15 में है मुख्तार अंसारी और अब ट्रायल यहीं पर चलेगा, ये अब तय है। शुक्रिया आपका मनीष जानकारी देने के लिए। पुनीत मेरे सहयोगी मौजूद थे और साथ ही मोहित मल्होत्रा भी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी कवरेज मुख्तार अंसारी को लेकर आप देख रहे थे, लेकिन अब मुख्तार अंसारी आ चुका है योगी की जेल, बैरक नंबर 15। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।